हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्टफ्ड मूली के पराठे बनाएंगे। यस, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि आटे में ही मूली को ग्रेट करके डाल देते हैं या और उसी में ही मसाले सारे मिला के और उसके पराठे बनाते हैं। बट आज हम उसको थोड़े नए तरीके से बनाएंगे, स्टफ करके बनाएंगे और ये इतने अच्छे बनेंगे कि कहीं से भी आपको ये कंप्लेन नहीं आएगी कि यहाँ से बाहर निकल रहे हैं या वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। सो इट्स वेरी इजी, बट आपको इसके लिए मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो इसके लिए हमने जो सामग्री ली है वो पानी और आटा लिया हमने गेहूं का 2 कप जितना, और आप अपने मेंबर्स के हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने 2 बड़ी मूली ली है जिसको ग्रेट कर दिया है एकदम अच्छे से, और ये हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ये ऑयल लिया है हमने उसको हम 1 टेबल स्पून जितना यूज करेंगे, और ये मूली के पत्ते उसको भी हम यूज कर सकते हैं 1/4 कप जितना मैंने इसको लिया है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च और एक ग्रेटेड जिंजर लिया है, मतलब अदरक लिया है, उसको भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ये हमने गरम मसाला लिया है 1/4 टेबल स्पून जितना, थोड़ा ही डालना है हमें इसमें। और ये लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और ये जीरा, आप चाहे तो जीरा पाउडर भी ले सकते हो 1/2 टेबल स्पून। नमक इसको हम स्वादानुसार यूज करेंगे और आपको मैं बताऊंगी इसको कैसे यूज करना है। और ये हमने अजवाइन लिया है 1/2 टेबल स्पून जितना, और ये कुछ धनिया पत्ता लिया है 1/4 कप। तो सबसे पहले हम लोग मूली को जो हमने ग्रेट किया है उसमें नमक ऐड करेंगे। और नमक ऐड क्यों करना है इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारा पानी रहता है। देखिए, अगर आप इसको स्क्वीज करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। इसमें से सारा पानी निकालने के लिए हम इसमें नमक मिलाएंगे। आप चाहो तो 1 टेबल स्पून जितना नमक मिला सकते हो, और इसको फिर हम लोग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से ढक के रख देंगे, तो इससे जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। ओके, तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड में ढक के रख लेंगे ताकि इसमें से सारा पानी अलग हो जाए। अब हम एक बड़े वेसल में आटा ले लेंगे गेहूं का, 2 कप जितना हमने लिया है। आप अपने मेंबर्स के हिसाब से और आटा ले सकते हो। यहाँ पर मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें हम थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून जितना नमक मैंने ऐड किया है। और ये ऑयल, आप ऑयल 1/2 टेबल स्पून जितना इसमें अभी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें जरूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। आटा ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप पानी ऐड कीजिए। ये देखिए, इस तरह से आटे को आपको अच्छे से बांधना है। अब हम इसको एकदम अच्छे से बांध के और 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। आप कॉटन का कपड़ा रख सकते हो इस पर। अब ये देखिए, हमने जो मूली को नमक में भिगो के रखा था उसमें से काफी सारा पानी अलग हो चुका है, तो अब हम इसको स्क्वीज करना है और उसका पूरा पानी निकालना है। बट आप इसको 2 से 3 बार पानी में जरूर धोइएगा, क्योंकि जो नमक है वो मूली के अंदर रह जाएगा और जो हमारे पराठे हैं वो थोड़े खारे भी हो सकते हैं। इसलिए बेटर है इसको 2-3 बार धो के आप इसको अच्छे से स्क्वीज करके इसमें से पानी अलग निकालिए। इसी तरह से हमें करना है। अच्छा, ये पानी हम आटे को बांधने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी आटा बांध दिया इसलिए मैं उसमें नहीं यूज कर रही हूँ। बट अगर आप चाहो तो मूली को पहले ही भिगो के रख सकते हो नमक में, और उसके बाद उसको धो के इसका पानी हम आटा बांधने में यूज कर सकते हैं, बट उस समय आप आटे में नमक नहीं मिलाओगे। अब ये हम ग्रेटेड मूली जो है उसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। धनिया पाउडर जो हम डालते हैं, इससे ये सारे मसाले एकदम अच्छे से बंध जाते हैं, थिकनेस आती है इसमें। एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। देखिए कितना अच्छा कलरफुल मसाला तैयार हो चुका है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम जो आटा हमने ढक के रखा था उसमें आधा टेबल स्पून जितना और ऑयल डालेंगे और उसको एकदम अच्छे से 5 मिनट के लिए हम बांधेंगे, इसको अच्छे से मसलेंगे। देखिए अब हमने मीडियम साइज की एक बॉल बना दी है, लोई बना दी है। इसको आटे से कोट करके हम इसकी छोटी सी चपाती टाइप बनाएंगे। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ी साइज का भी लोई ले सकते हो। देखिए ये हमने चपाती बना दी है, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमको। और इसमें हम ढेर सारा मसाला इसमें डालेंगे। रेडिश का जो मूली का मसाला हमने तैयार किया है, क्योंकि स्टफ्ड है तो इसमें मसाला ज्यादा भी होना चाहिए। देखिए अब हम इसको उसके कॉर्नर से इसको फोल्ड करते हुए एंड तक इसको फोल्ड करते रहेंगे, जिस तरह से हम लोग मोमोज बनाते हैं उसी तरह से इसको फोल्ड करते रहेंगे चपाती को, और उसको स्टिक करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे एक तरफ से। देखिए सो लास्ट में ये हमारी पोटली तैयार हो चुकी है, और जो एक्सेस आटा है हमारा इसको हम निकाल देंगे, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ आटा आटा ही आएगा आप बनाओगे तब। ये देखिए हमारा स्टफ्ड लोई तैयार हो चुकी है मूली की। इसको अब हम आटे में कोट करेंगे और हल्के से प्रेस करते हुए इसको इसकी रोटी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे इसका। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ही मेरे चैनल को, और भी अच्छी अच्छी डिशेस आपका वेट कर रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखिए आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से ये पराठा तैयार हो रहा है बनके, कहीं से भी पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पानी निकालने का स्क्वीज करके। अच्छा कहीं कहीं पर जैसे ये पराठे ऐसे इस तरह से फट जाते तो आप क्या करोगे, इसमें आटा लगा लेंगे हम लोग। ओके और आप चाहो तो इसपे थोड़ा सा आटा छिड़क भी सकते हो, ताकि जहां से भी छोटे छोटे होल्स भी रहेंगे तो वो भी पूरे बंद हो जाएंगे। ये देखिए देखिए इसकी इक्वल थिकनेस यू कैन सी, ये देखिए इतना मोटा बना है, पूरा स्टफ्ड है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। अब हम जो हमने पैन गरम किया है उस पर घी डालेंगे, या फिर आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, और इस पर पराठा डालेंगे हमारा। इसको अच्छे से ग्रीस करते हुए और बनाएंगे इसको, दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे रखना है अपना गैस, और इसको फ्लिप करते रहना है। सो फ्रेंड्स आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। फ्रेंड्स इसको पराठों को थोड़ा सा प्रेस करने के लिए ये मैंने पाव भाजी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। आप इसको हल्के हाथों से इसको प्रेस कीजिए, ताकि दोनों तरफ रोस्टेड ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, और वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस रेसिपी। हमारा ये पराठा तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से एकदम अच्छे से पक चुका है। ये खाने के लिए तैयार है। आप इसको हरी चटनी के साथ, रायते के साथ, कर्ड के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हो अपने गेस्ट को, अपने फैमिलीज को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।